इस बात में किसी को किसी तरह का शको शुभा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, और इसी वजह से कर्नाटक में भी चुनाव प्रचार का सारा दारोमदार प्रधानमंत्री मोदी पर ही था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कुल 25 चुनावी कार्यक्रमों के बावजूद कर्नाटक बीजेपी के हाथ से निकल गया और बीजेपी को उन जगहों में से अधिकांश में हार मिली जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार करने उतरे थे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कर्नाटक में बीजेपी को जिताने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने इस चुनाव में भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था। 7 दिनों में कुल 19 रैलियां और जनसभाओं को संबोधित किया था, कुल 6 बड़े रोड शो भी किए, और इस तरह से उन्होंने 25 कार्यक्रमों के जरिए कर्नाटक के 19 जिलों की करीब 163 विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश की। लेकिन नतीजे आए तो साफ हो गया कि पीएम मोदी जिन 163 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, उनमें से महज 53 सीटों पर ही बीजेपी जीत सकी, जबकि कांग्रेस को बीजेपी के 2 गुने से भी ज़्यादा सीटें मिली। और प्रधानमंत्री मोदी ने जहां जहां चुनाव प्रचार किया, उनमें से 86 सीटें कांग्रेस के खाते में आ गई। यानी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली और उसकी सफलता का प्रतिशत देखा जाए तो पीएम मोदी को महज 32% ही सफलता हासिल हो पाई है। और अगर इसकी तुलना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से करें तो राहुल गांधी की वो यात्रा 51 विधानसभा सीटों से गुजरी थी, जिनमें 37 पर जीत मिली थी और सफलता का प्रतिशत 72% था। अगर जिलेवार भी प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा, रैली और रोड शो के प्रदर्शन को देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी बीदर जिले से, जहां विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। 2018 में बीजेपी को बीदर में 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को वहां पर 4 सीटें मिली हैं, और इस लिहाज से शुरुआत तो अच्छी रही है। लेकिन बाकी में बीजेपी को पीएम मोदी की मौजूदगी के बावजूद नुकसान हुआ है, क्योंकि बीदर के बाद विजयपुर दूसरा ऐसा जिला था जहां खुद पीएम मोदी ने रैली की थी। 8 विधानसभा सीटों वाले विजयपुर में बीजेपी को महज 1 सीट मिली, जबकि 2018 में यहां पर बीजेपी को 3 सीटें हासिल हुई थी। बेलगावी जिले में पीएम मोदी ने 2 जनसभाएं की थी, एक रोड शो भी किया था, क्योंकि इस जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं तो मेहनत भी ज़्यादा हुई। हालांकि नतीजे आए तो बीजेपी को 18 में से महज 7 सीटें ही मिली और कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2018 में बेलगावी में बीजेपी को 10 सीटें मिली थी। बेंगलुरु शहर में विधानसभा की कुल 28 सीटें हैं, यहाँ पीएम मोदी ने 3 रोड शो किए, इसका फायदा भी दिखा। बीजेपी को 28 में से 16 सीटें मिली, जबकि 2018 में यहां से बीजेपी को सिर्फ 11 सीटें ही मिली। कोलार में भी पीएम मोदी ने रैली की थी, लेकिन यहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। 2018 में सभी 6 की 6 सीटों पर बीजेपी को हार ही नसीब हुई थी। रामनगरा जिले में 2018 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। इसे देखते हुए पीएम मोदी ने 4 विधानसभा वाले इस जिले में 1 जनसभा की थी, लेकिन फिर भी खाता नहीं खुला। हासन जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए भी पीएम मोदी ने रैली की थी, यहाँ पिछली बार 1 सीट मिली थी जो बढ़कर इस बार 2 हो गई, तो फायदा हुआ है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में 6 और रायचूर में 7 विधानसभा सीटें हैं। पीएम मोदी ने दोनों ही जगहों पर 1-1 जनसभा की थी। चित्रदुर्ग में बीजेपी को 1 सीट मिली, जबकि रायचूर में 2, जबकि 2018 में चित्रदुर्ग में बीजेपी को 5 और रायचूर में 2 ही सीटें मिली थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह जिले कलबुर्गी में भी पीएम मोदी ने एक रैली की थी। यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ 2 सीटें मिली हैं, जबकि 2018 में उसे 4 सीटें मिली थी। दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ जिले में भी पीएम मोदी की रैली हुई थी। दक्षिण में 8 सीटें हैं, जबकि उत्तर में 6। नतीजे आए तो पता चला कि दक्षिण कन्नड़ में बीजेपी को 6 सीटें मिली है, जो 2018 की तुलना में 1 कम ही है। वहीं उत्तर कन्नड़ में भी बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं, जो 2018 के मुकाबले 2 कम है। बेल्लारी में विधानसभा की 5 सीटें हैं, वहाँ पीएम मोदी की रैली हुई थी, लेकिन बीजेपी इस बार यहाँ खाता भी नहीं खोल पाई, जबकि पिछली बार उसे 3 सीटें मिली थी। 11 सीटों वाले तुमकुरु जिले में तो पीएम मोदी ने जनसभा की थी, लेकिन सीटें मिली महज 2, जबकि पिछली बार उसे 4 सीटें मिली थी। बागलकोट जिले में बीजेपी ने 2018 में 7 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, इस बार पीएम मोदी की रैली के बावजूद उसे 2 ही सीटें मिल पाई है। हवेरी में सीटों की संख्या है 6, पिछली बार बीजेपी को 4 मिली थी, पीएम मोदी ने रैली भी की लेकिन सीट सिर्फ 1 ही मिली है। शिमोगा जिले में कुल 7 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी को 6 मिली थी, पीएम मोदी ने रैली भी की तो यहाँ 3 सीटें ही मिली हैं। विजयनगरा जिले में भी पीएम मोदी ने रैली की थी, यहाँ विधानसभा की सिर्फ 3 ही सीटें हैं और इस बार बीजेपी को 1 ही मिल पाई है, जो पिछली बार जैसा ही है। कर्नाटक का मैसूर वो आखिरी जिला था जहाँ पीएम मोदी ने रैली की थी,
पीएम ने मैसूर के श्रीकांतेश्वरा मंदिर में दर्शन के बाद अपने चुनाव प्रचार का समापन किया था। इस जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में महज एक सीट आई है, जबकि पिछली बार बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। कमोबेश ऐसा ही हाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं का भी रहा। उन्होंने 26 अप्रैल से 6 मई के बीच 9 जिलों में 10 रैलियां और 3 रोड शो किए। गृहमंत्री अमित शाह ने 21 अप्रैल से 7 मई के बीच 9 दिनों तक प्रचार किया। 19 जिलों में 16 रैलियां और 20 रोड शो किए। इनमें भीड़ भी आई, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो सकी, और जिसका नतीजा ये है कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी आधी सीटें भी नहीं जीत पाई। तो अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।